इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी के लहसुन मंडी में मौजूद हैं और चार दिनों के जो अवकाश के बाद आज मंडी खुली है। मंडी में लहसुन की बम्पर आवक देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से जो मंडी बंद थी, जिसके चलते किसान अपनी उपज बेच नहीं पा रहे थे, अब जैसे ही मंडी खुली है काफ़ी संख्या में उपज लेके किसान आए हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज तेज़ी भी देखी जा रही है, काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। किसानों को किस तरह की उपज का दाम मिला है उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। भाई साहब, नाम आपका? विष्णु राठौर। कहाँ से आप? केशवपुरा। केशवपुरा, लहसुन आपकी बिकी? जी। कौन सी है ये? देसी। देसी। देसी, क्या भाव गई? कैसा? 13,050। 13,050 गई है, मतलब जो आम दिनों में काफ़ी कम देती। थोड़ा सैंपल दिखा दीजिए, ये इस तरह की है, 13,500 गई है। और मतलब जो भाव था निश्चित तौर पे बढ़ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि एक ढेर जो आज बढ़िया वाला था वो 24,552 रुपये के करीब बिका है, तो काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। वही नीचे की बात करें तो ये ऊटी का बता रहा हूँ मैं, और जहाँ ऊटी के नीचे की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 के ऊपर हैं। वहीं देसी की बात करें तो देसी 16 भी बढ़िया गया है, जो कार्टून क्वालिटी का था। उसके अलावा फिर जो नीचे बात करें तो सामान्य दिनों में छर्री है वो जो 7-8 जाती थी वो भी अभी 9 के करीब जा रही है। दिखाना चाहूँगा इधर कि किस तरह की छर्री है। और लगातार आज किसान अपनी उपज लेके आ रहे हैं। भैया वो वाला सैंपल दिखा दीजिए मेरे को, ये एक और सैंपल है जो आम दिनों में काफ़ी कम जाता था और अभी 800 रुपये, 9,800 रुपये, तकरीबन 10,200 रुपये कम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ढेर 7 रुपये भी बड़ी मुश्किल से बिकता था आज बढ़िया गया है। तो कुल मिला के जो आज मंडी में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि और तेज़ी देखी जाए, क्योंकि इस सप्ताह लगातार मंडी खुलेगी और उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के कुछ बीच बीच में अवकाश भी आते रहेंगे। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।